न्यूट्रेला फूड तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ सगुना। हैदराबादी सोया खीमा, जी हाँ, ये नाम है हमारी आज की डिश का, जिसको हम बनाएंगे न्यूट्रेला सोया ग्रैनुअल्स के साथ। हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक पैन का और पैन में हम डालेंगे सबसे पहले न्यूट्रेला रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे प्याज और अच्छे से प्याज को यहाँ पे भून लीजिए जब तक कि उनका कलर चेंज ना हो जाए। प्याज अच्छा भुना रहेगा तो ही खीमा में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो प्याज यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर ग्रीन चिली पेस्ट का। कुछ हरी मिर्चें मैंने पहले से ही यहाँ पर पीस के रख ली हैं, ये भी इसके अंदर जाएगा। जितना तीखा आप इसको बनाना चाहते हैं उतना ही इस पेस्ट का इस रेसिपी के अंदर आप इस्तेमाल कीजिए। जस्ट गिव इट अ वेरी गुड स्टर, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए प्याज के साथ। और साथ ही में अब हम इसमें डाल रहे हैं मिंट पेस्ट। पुदीना मैंने पहले से ही यहाँ पे पीस के रख लिया था। बस थोड़ा सा हम इसको इसके अंदर डालेंगे और अब इस रेसिपी के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सारे मसालों का। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, उसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक डाल रही हूँ मैं, साथ ही में इस्तेमाल मैं कर रही हूँ गरम मसाला का और मेरे पास यहाँ पर है धनिया पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए अब इसके अंदर हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। फ्रेश टोमेटोज़ का इस्तेमाल कीजिए अगर हो सके तो इसको बनाते हुए, इससे किसी भी डिश का स्वाद बहुत अलग आता है अगर आप फ्रेश टोमेटोज़ का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा पानी, तो ये मसाला यहाँ पर अच्छे से बनके तैयार हो गया है। इसकी महक, इसकी खुशबू और इसका रंग तीनों ही इंडिकेशन दे रहे हैं कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी यहाँ बनके तैयार होने वाली है। और अब हम इसमें डालेंगे प्री कुक्ड न्यूट्रेला सोया ग्रैनुअल्स। बहुत ही वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है, किसी भी रेसिपी के साथ आसानी से घुल मिल जाता है और साथ ही में इसको अपनी डाइट में शामिल करने से आपको मिलता है 52% प्रोटीन कंटेंट भी। थोड़ा सा पानी आप चाहे तो इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। और एक बार सोया ग्रैनुअल्स इन सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर। तो हैदराबादी सोया खीमा बनके तैयार है और अब बारी आती है इसको प्लेट करने की और यहाँ पर हम इसको आराम से इस बोल के अंदर, इस प्लेटर के अंदर डालते हैं। तो बहुत ही कम समय में ये बनके तैयार हो जाएगा और हैदराबाद की इस डेलिकेसी को खाने के लिए आपको हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। सोया के साथ आप इसको बहुत ही आसान तरीके से अपने किचन में प्रिपेयर कर सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बारीक कटे हरे धनिए का। तो बनके तैयार है हैदराबादी सोया खीमा और आप इस डिश को घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए, हमें बताइए कि आपको ये कैसी लगी। ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए हमें लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।